आक्रामक दिख रहे हैं विपक्ष, क्या विषय है? हाँ जी जी, क्या विषय? देखिए, देवघर जो बाबा नगरी है वहाँ पर जो डीसी है और जो जिला प्रशासन है वो पंडालों का जो मंदिर के किनारे जो जमीन है उसको निबंधन नहीं होने दे रहा है, रजिस्ट्री नहीं होने दे रहा है, और जिसके कारण हमारे जो पंडा समाज मंदिर के सामने धरना पर बैठे हैं और व्यापक आक्रोश भी है। तो इसको लेकर मैं धरना पर बैठा हूँ और हम चाहते हैं कि जब 2021 में रजिस्ट्री हो रहा था तो अभी क्यों बंद कर दिया गया है भाई? जिसको लेकर भारी आक्रोश है। जो पोस्टर वो देख लीजिए प्लीज, ये मजाक है, इसे मत कीजिए, आप लोग बता रहे हैं और मजाक मत करिए। सरकार तो आप मजाक क्यों सुन रहे हैं? नहीं देखिए, मैं देवघर में बाबा नगरी है, लाखों लाख श्रद्धालु आते हैं वहाँ पर, और पुजारी हमारे जो पंडा भाई है जो पूजा कराते हैं वो लोग अगर कष्ट में रहेगा तो इरफान अंसारी को अच्छा नहीं लगेगा। इसको लेकर मैं धरना पर बैठा हूँ और मेरा ये मांग है, बिल्कुल मैं सदन में ये मामला को लाऊंगा और हमारे जो डायनेमिक मुख्यमंत्री से मैं वार्ता करूंगा और मैं कहूंगा कि एक डेलीगेशन भी सीएम साहब जब देवघर गए थे तो उनसे मीटिंग हुई थी और सीएम साहब ने भी भरोसा दिया था कि हम इस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन जो पदाधिकारी हैं वो लोग गलत लगता है कि सूचना देते हैं जिसके कारण सरकार की छवि खराब होती है। तो मैं फिर से मैं इसलिए धरना पर बैठा हूँ कि सरकार इसको तुरंत संज्ञान मिले और हमारे जो पंडा भाई हैं जो पूजा कराते हैं, लाखों लोग आते हैं, सबकी सेवा करते हैं और वो लोग धरना पर बैठे हैं, कम से कम इसको त्वरित सरकार इस पर संज्ञान ले और कार्रवाई करे। मुझे वो मिले कि नहीं मिले, लेकिन मैं जरूर मिलूंगा आज।